प्रणाम बच्चों, माई सेल्फ अंकिता उपाध्याय, आई एम योर सोशल साइंस सब्जेक्ट टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 1 अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया इन हिस्ट्री सेक्शन। ये बेटा हिस्ट्री सेक्शन का चैप्टर है। टोटल आपके 4 चैप्टर्स बेटा हिस्ट्री से रिलेटेड हैं फर्स्ट सेम के अंदर, है ना। टोटल 9 चैप्टर्स में आप यहाँ पर इंडेक्स में देख सकते हैं बेटा। फर्स्ट चैप्टर अराइवल ऑफ यूरोपियंस है बेटा, हिस्ट्री का है। सेकेंड चैप्टर फोर्थ नंबर चैप्टर हाउ द ट्रेडर्स बिकेम रूलर, यानी कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस, यानी कि जो यूरोपियन ट्रेडर्स जो है बेटा, आई थिंक 450 ईयर्स हो गए पहले, सबसे पहले पोर्टुगल्स आए, उसके बाद डच आए, वलंदाज आए, डैनिश आए, फिर ब्रिटिशर्स आए और उसके बाद फ्रेंच आए। तो उनके आने के रीजंस क्या थे, किस वजह से उनको सी रूट फाउंड करना पड़ा, वो इंडिया के साथ क्यों इतने मतलब एक तरीके से ग्रैंड वे में ट्रेडिंग करना चाहते थे, फिर जब यहाँ पे आने के बाद बेटा उनको इंडिया की प्रॉस्पेरिटी, उसकी रिचनेस, उसकी वेल्थ, उसका ट्रेडिंग एक तरीके का डेवलपमेंट, ये सब को देख के जब उनकी ग्रीड बढ़ गई, तो एक तरीके से देखा जाए तो वो ट्रेडर्स से रूलर्स बनने की तैयारियां, प्लान पॉलिसी करने लगे। तो चैप्टर 4 में कुछ ऐसा ही टॉपिक है, हाउ द ट्रेडर्स बिकेम रूलर। अब इसके बाद आप चैप्टर 6 देख सकते हो बेटा कि इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1757 बेटा बैटल ऑफ प्लासी, जो जस्ट हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे, हम ऑलरेडी लाइव क्लास में हमारा चैप्टर अब आज कंप्लीट हो जाने वाला है, लास्ट टॉपिक पे हम हैं। तो हम देख सकते हैं बेटा कि अराइवल ऑफ बैटल ऑफ प्लासी से उनको 24 परगना की जागीरदारी मिली थी, बैटल ऑफ बक्सर से उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिले थे। यहाँ से उन्होंने 1857 हंड्रेड ईयर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरीके से धीरे धीरे इंडिया के बड़े और छोटे जो स्टेट्स थे बेटा उसके ऊपर कंट्रोलिंग करना स्टार्ट किया। भले वो ट्रेडिंग पर्पस से था, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो रूलर्स ही बन रहे थे। और लास्ट जो चैप्टर है आपका 9, इसमें द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857 रिवॉल्ट, है ना। हमने सब्सिडियरी अलायंस और एनेक्सेशन पॉलिसी चैप्टर 1 में ही देखा, तो उससे पता चला गया किस तरीके से हमारे जो नवाब, निज़ाम, रजवाड़े, किंग थे, ये सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम जिसको हम स्वीट पॉइजन या स्लो पॉइजन बोलते हैं, उसका एक तरीके से शिकार हुए बेटा, वो ट्रैप में एक तरीके से उसकी जाल में फंस गए। और फिर धीरे 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 उनके पावर्स, उनके कंट्रोल्स जो है उनके स्टेट्स पे से खोते चले गए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी थी पर वेल्थ के नाम पे उनके पास कुछ बचता नहीं था, ट्रेजरी खाली हो रही थी, टैक्सेस हाई होते जा रहे थे, लोगों का विश्वास घुमाते जा रहे थे और एक तरीके से नेमशेक रूलर बन गए थे। और 1857 के बाद कम्प्लीटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेटा भारत में से हटा के जो क्वीन रूल है इंग्लैंड का वो भारत में लागू कर दिया गया। यानी कम्प्लीटली 90 ईयर्स तक 1857 के बाद जो है बेटा भारत में एक तरीके से क्वीन रूल एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के साथ काम किया। तो ये पूरा का पूरा हम जो है ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड की हिस्ट्री आपके चैप्टर ये 8th स्टैंडर्ड में देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अराइवल यानी कि बेटा एक तरीके से उनका आगमन, उनका आना, आने के रीजंस क्या थे, तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि वी हैव लर्न इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट मेनी ईयर्स अगो आवर कंट्री वॉज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आवर कंट्री वॉज डिस्टिंक्ट इन द होल वर्ल्ड। द पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज वेर बींग इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर कल्चर एंड प्रॉस्पेरिटी। मैनी पीपल वर्ल्ड वाइड वेर ईगर टू एंटर इन टू ट्रेड विथ आवर कंट्री एंड अर्न वेल्थ आउट ऑफ इट। ओके बेटा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो पहले भी देखा जाए बेटा तो इंडिया का ट्रेडिंग जो एक तरीके से फॉर्म है, उसका जो स्ट्रक्चर रहा है या उसके डेवलपमेंट के जो बेस रहे हैं वो बहुत मजबूत थे। हम अरेबिक कंट्रीज़ के साथ, अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ बहुत पहले से, इवन हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का 5000 ईयर्स अगो पहले का भी जब कल्चर देखते हैं तो हमको वहाँ पे भी प्रूफ मिलते हैं कि हम ट्रेडिंग में बहुत दुनिया में हम रिच प्रॉस्परस ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा वेल मैनेज्ड वे में ट्रेडिंग करने वाले कंट्रीज़ के रूप में हमारी एक पहचान हुआ करती थी। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं बेटा वर्ल्ड के कोने कोने में भारत की जो है बेटा ये रिचनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, इससे वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स है, ट्रेडर्स है, वो मेसमराइज्ड होते थे, वो आकर्षित होते थे भारत की तरफ, वो इन्फ्लुएंस्ड होते थे भारत की तरफ, प्रभावित होते थे और वो भारत के साथ कहीं ना कहीं जो है ट्रेडिंग पर्पज़ से या फिर भारत के कल्चर के साथ मिंगल्ड होने के लिए या फिर यहाँ पर सेटल्ड होने के लिए बहुत उत्सुक होने लगे। यहाँ पर ईगर वर्ड यूज़ हुआ है ना अक्सर, आप जो है इंग्लिश में ये यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा जब उत्सुकता बढ़ जाती है किसी चीज़ को करने की, तो इस तरीके से वो लोग की चाह बढ़ने लगी और वो भारत की तरफ आने लगे। ओके, अब देखो अर्लियर
द मर्चेंट्स फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट बाय द लैंड रूट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग फॉर अ ईयर द अरब ट्रेडर्स अंडरटुक द ट्रेड थ्रू द लैंड रूट बट एज द सिचुएशन चेंज ट्रेड थ्रू द लैंड रूट स्टॉप इट कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर द इंडियन कॉमोडिटीज लाइक अ सिल्क कॉटन क्लोथ मसलिन ब्लैक पेपर स्पाइसेज एटसेट्रा इंक्रीज इन द यूरोपियन कंट्रीज टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ दिस सिचुएशन मैनी कंट्रीज ऑफ द यूरोप स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ सी रूट टू इंडिया. ओके, अब ये होल पैराग्राफ को समझने के लिए हम नीचे का मैप वर्क समझेंगे. देखो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली मैप दिखाया है बेटा. मैप में आप देख सकते हो कि यूरोपियन नेशंस बेटा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. देखो ये, सॉरी, ये आपको तुर्किस्तान दिख रहा है, ठीक है. यहाँ पे इस्तांबुल आप देख सकते हो, इसको इस्तांबुल को देख सकते हो आप, ये रहा. ओके, ये पर्टिकुलरली आप रूट देखो तो यूरोपियन नेशंस बेटा भारत के साथ जो है, देखो बगदाद है, ईरान है, वो इंडिया के साथ लैंड रूट से जुड़ते थे. लेकिन जब तुर्क मुस्लिम ने कॉन्स्टेंटिनोपोल को बेटा, ये जो डॉट दिख रहा है आपको पॉइंट, जब ये पर्टिकुलर रूट कैप्चर्ड कर लिया तो वहाँ से उन्होंने यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए एशियाटिक कंट्री में खास करके भारत की तरफ आने का रास्ता उन्होंने बिल्कुल क्लोज कर दिया. अब यूरोपियन मार्केट्स के अंदर बेटा इंडियन कॉमोडिटीज़ की, इंडियन थिंग्स की बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड थी. हम बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क क्लो सिल्क कॉटन बराबर इनके क्लोथ, इसके साथ साथ मसलिन जैसा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लग्जूरियस क्लोथ जिसको रिच ट्रेडर्स किंग बराबर ये यूज़ करते थे, ब्लैक पीपर है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस है जो कि यूरोपियन नेशन में ना के बराबर होते थे, उनकी ग्रेट डिमांड वहाँ होती थी. और उस प्रॉफिट का फ़ायदा उठाने के लिए और अपने मार्केट के अंदर जो है बेटा अपनी वैल्यूज़ को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं यूरोपियंस के लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि वो इंडिया तक का सी रोड फाउंड करे, क्योंकि लैंड रूट को जो है तुर्क इस्लामिक मुस्लिम जो रूलर थे उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपोल जो है बेटा एक तरीके से उनका कंट्रोलिंग हो गया और उन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए वो जो लैंड रूट था वो क्लोज कर दिया. तो आखिरकार फर्स्ट वन हम वास्को दी गामा हम देखेंगे कि यहाँ पे पोर्टुगल दिख रहा है बेटा आपको. वास्को दी गामा ने यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई थी. बार्थोलोमो डियाजो वो फर्स्ट जो है बेटा सेलर और ट्रेडर थे और कैप्टन थे शिप के, जिन्होंने कैप ऑफ गुड होप, यहाँ पे अफ्रीका का ये आप देख रहे हो. देखो अफ्रीका का नीचे का पेनिनसुलर स्ट्रक्चर और इंडिया का पेनिनसुलर स्ट्रक्चर हमको एक जैसा दिखाई देता है, क्योंकि पेनिनसुला का मतलब है कि अ लैंड एरिया विच कवर्ड बाय थ्री साइड ऑफ वाटर. जो लैंड एरिया बेटा तीन साइड से पानी से कवर्ड है उसको हम पेनिनसुला कहते हैं. तो ये पेनिनसुलर स्ट्रक्चर अफ्रीका का भी है और इंडिया का भी है. हम बेटा हजारों साल से अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ तो हम ट्रेडिंग करते ही थे बराबर, लेकिन यूरोपियंस कभी उनको नहीं पता था कि कैप ऑफ गुड होप के बाद यहाँ आगे कैसे जाना है. बट इंडिया और अफ्रीका का ट्रेडिंग जो बेटा एक रिलेशन था वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो पहले से था. 5000-6000 साल पहले भी हम मान सकते हैं बेटा कि ये रिलेशन्स थे. तो जब वास्को दी गामा को सी रूट फाउंड करना था बेटा, वो कैप ऑफ गुड होप तक तो उनको बहुत आसानी से पहुंचना हो गया, क्योंकि ऑलरेडी बार्थोलोमो डियाजो, जैसे इसके बाद जो हम पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें उनका नाम आएगा कि हम वहाँ पे पहुंच पाए. लेकिन अब यहाँ से आगे जाने के लिए वास्को दी गामा को एक गाइड की ज़रूरत थी. लकीली उनको जो है बेटा इंडियन ट्रेडर्स और अफ्रीकन ट्रेडर्स के साथ, उस समय बेटा इंडियन लेबर्स और अफ्रीकन लेबर्स अक्सर आया करते थे, खास करके ये कोस्टल रीजन एरिया पे रहने वाले मुस्लिम लेबर्स होते थे. जैसे कि भारत के अंदर गुजरात में बेटा सीधी डायनेस्टी ने 60 इयर्स जो है रूलिंग किया है. ये आज भी गिरनार के जंगलों में सीधी पीपल रहते हैं बेटा. हमारे अहमदाबाद में सीधी मॉस, सीधी सैयद की जाली इन्होंने ही बनवाई है. तो इंडियन ट्रेडर के साथ जो मुस्लिम एक लेबर था बेटा, वो अक्सर अफ्रीका से इंडिया आया जाया करता था. उन्होंने ही वास्को दी गामा को एक तरीके से गाइड किया और कैप ऑफ गुड होप से कालीकट और कोची, ये दो रूट तक वो कालीकट बंदर तक उनको लेकर आए बराबर. तो ये चीज़ हमने मैप पक्ष में समझ ली. नेक्स्ट अभी पैराग्राफ में भी क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को दी गामा की जो थियोरी है बेटा, उसमें भी हम इसी चीज़ को समझेंगे. थैंक यू. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि सब्सिक्वेंटली द सम एडवेंचरस सेलर्स ऑफ यूरोप एंड अदर कंट्रीज स्टार्टेड द सर्च ऑफ सी रूट टू कम टू इंडिया. और कहीं ना कहीं यूरोपियन नेशंस के अंदर ये जो ग्रेट डिमांड थी उसको फुलफिल करने के लिए, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए बेटा उनको एक बड़े मार्केट की, एक बड़े ट्रेडिंग उसकी ज़रूरत थी. जो वो जानते थे कि वो भारत के साथ ही जब ट्रेडिंग रिलेशंस बढ़ाएंगे तभी इसी डिमांड को वो फुलफिल कर सकते हैं. और कहीं ना कहीं इन ग्रेट सेलर्स ने बेटा, जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को दी गामा का नाम जो है आता है, बट कोलंबस जो है बेटा वो एक तरीके से
अपने मिसकंसेप्शन की वजह से थोड़ा सा दिशा भ्रमित हो गए समुद्र में और बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाने लगा उनका शिप, और लाइफ टाइम हम वो ये भ्रम में रह गए कि उन्होंने इंडिया को फाउंड कर लिया है, पर वो इंडिया नहीं अमेरिका पहुंच चुके थे। ओके, तो कोलंबस के पैराग्राफ में हम देखते हैं ये, उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम वास्को दी गामा से स्टार्ट करेंगे। देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस एन इटालियन एक्सप्लोरर। ठीक है, जब भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे तो बेटा वास्को दी गामा पोर्टुगल को बिलोंग करते थे और कोलंबस जो है इटालियन थे। वॉज वन ऑफ द ब्रेव सेलर हु वेंचर्ड आउट द फाइंड द सी रूट टू इंडिया। ही थॉट दैट वन कैन गो टू द ईस्ट वाया वेस्ट ऑल्सो। वाई डिड ही बिलीव सो? थिंक अबाउट इट। कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रिच अमेरिका। एज लॉन्ग एज ही लाइव ही वॉज अंडर द मिसकंसेप्शन दैट ही हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि वो थोड़ा सा भ्रमित हो गए और हमेशा लाइफ टाइम इस मिसकंसेप्शन में रहे कि उन्होंने इंडिया फाउंड किया, बट वो अमेरिका पहुँच चुके थे। हैंस इवन टूडे द नेटिव्स ऑफ द अमेरिका आर कॉल्ड द रेड इंडियंस एंड द आइलैंड ग्रुप इन द कैरिबियन इज नोन एज द वेस्ट इंडीज। तो आज हम कह सकते हैं बेटा कि अमेरिकन पीपल को रेड इंडियंस इसी वजह से कहा जाता है, और बीच में जो एक आइलैंड कंट्री पास आउट करते गए उस कंट्री को आज हम वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं, है ना। मैंने आपको इंडो का भी मीनिंग समझाया था कि यूरोपियंस ने भारत को नाम इंडिया क्यों दिया बेटा, तो वहाँ पे इंडो इंडो वर्ड का मतलब होता है कि बहुत सारे कल्चर, लैंग्वेजेस, बराबर रिलीजियन, इनका मिक्सचर जहाँ पे दिखाई देता है और उसके फॉर्म में एक यूनिटी जहाँ पे नज़र आती है कि विविधता के बाद, डिफरेंसेस के बाद भी, वेरिएशन के बाद भी एक यूनाइटेड फॉर्म में वो रह रहे होते हैं। तो ऐसी पर्टिकुलर प्लेस को या ग्रुप को इंडो कहते हैं और इसी वजह से उन्होंने भारत को नाम दिया इंडिया। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम बेटा वास्को दी गामा के बारे में देखेंगे। थैंक यू।